मैं कह रहा था ना रजत, देख मुझे काला साया दिखा, कोई मसला है। आज हम यहाँ पे गुलशन अदीत में अपने एक दोस्त के पास मिलने आए थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे घर के अंदर रात के वक्त बड़े मामला की यहाँ पे उनको होता है, कोई असरात किस तरीके की परछाइयाँ दिखती हैं। इस घर में कोई रहता भी नहीं है, घर काफ़ी टाइम से बंद है। फिर इसके ओनर ने इसको किराए पे भी दे दिया, और वो किराए पे दिया तो किराएदार भी यहाँ से भाग गए। फिर उसके बाद उसने कारखाने वालों को दिया, कारखाने वालों ने कारखाना लगाया, कुछ अर्से वो कारखाना चला नहीं, मतलब चला, और वहाँ पे भी उनको परेशानियाँ आई, और फिर वो यहाँ से भाग गए। अब कहते हैं कि कारखाने का सामान भी यहाँ पे सेम ऐसी छोड़ के चले गए। और हाँ, तो यहाँ पे भी हम चेक करते हैं कि क्या मामला हैं या नहीं है, जो भी सच्चाई चीजें भी आपके सामने लाते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, फिर इस घर को विजिट करते हैं। कारखाना इसका ऊपर बताया जा रहा है, कारखाना ऊपर है, नीचे तो नीचे किचन ही है, इतना कोई खास घर नहीं है, और बड़ा वेल मेंटेन घर बना हुआ था। घर तो काफी अच्छा, कोई चीज लगने की आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ ऊपर की तरफ चलते हैं, उबैद फिर देखते हैं। चलो चलो चलो, ये तो कोई इसका कारखाना नजर आता है, सही है बादशाह? गारमेंट्स का कारखाना है ये, चेक कर। लग रहा काफी अरसे से बंद ही है ये सब। ये रूम लॉक हुआ हुआ है। उबैदुल्लाह देखिए, यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी चीज है तो हम आपको दोस्ती की नियत से आया, आपको तंग करने नहीं आया। अगर कोई भी ऐसी चीज है, भाई यहाँ तो पूरा लगा हुआ छोड़ के गए सब, बिल्कुल ऐसी पड़ा हुआ है। काफी सारा माल एक पछा है यहाँ तो, एक काफी माल है यार, यहाँ तो काफी मशीनें लगी हुई हैं। नहीं मट्टी कितनी लगी हुई, इतना ऐसा लग रहा काफी अरसे से बंद है यार। ये देख ये देख, कितनी मट्टी लगी है मशीनों पे, काफी टाइम है यार। दोस्त ये बता रहा था कि यहाँ पे ना काफी, मतलब इस तरफ से यहाँ पे, मतलब कोई दिन में भी काम कर रहे होते थे तो ऐसी कोई बच्चों की आवाजें, कोई चलने फिरने की आवाजें आती थी तो कारीगर भाग जाते थे। इसी की वजह से यहाँ पे कारखाना काफी टाइम से बंद है, और बिल्कुल किसी अच्छे, बड़े अच्छे सेटअप लगाया था यार जिसने भी यहाँ पे काम किया था। पंखा भी देख कितनी गंद में हो गया, कि काफी टाइम से बंद है यार। हाँ है तो कारखाना काफी टाइम से पलीद हो रहा है बिल्कुल, मगर जो भी ये छोड़ के गया है इसका मतलब ये मामला बहुत बहुत ज्यादा खराब होंगे। अभी रात का तकरीबन 1 बजे का टाइम हो रहा है, हम यहाँ पे दाखिल हुए हैं। वो देखिए उस तरह एक सुराग यार, ऐसा लगा एकदम ब्लैक हो गया था, कोई चीज आके गई हो उस तरफ। उबैद भाई उस तरफ, इस तरफ से देखते हैं, इस वाली साइड का। ये भी यार देख यार पूरा, अभी हम यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा घर है नहीं यार। बाथरूम भी बिल्कुल ऐसी बगैर इस्तेमाल, काफी अरसे दराज, मेरे ख्याल से साल भर से ऊपर हो गया इसको खाली हुए, 6 या 8 महीने साल ऐसी कह रहा है वो, उसको सही फिक्स नहीं पता, लेकिन वो यही कह रहा है कि यार ये काफी अरसे दराज से ना, मतलब छोड़ के चले गए अपना। अब ये देखो बना हुआ कोई माल अगर इस तरीके से छोड़ के जा रहा है, हो सकता है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो, लेकिन यार तंग बहुत किया। कारीगरों की कंप्लेन यही रही है, क्योंकि इलाका मकीन यही बता रहे थे, उसमें से एक हमारा अजीज भी है, उसने बताया, तो हमने कहा यार यहाँ पे आ जाते हैं उसके पास, हम तो उससे मिलने ही आए थे। दरवाजों पे लगी मिट्टी और पंखे पे मैंने आपको गंद दिखाई, और ये चीजें बिल्कुल ऐसी मट्टी इतनी हो चुकी है, मतलब बंद, ये काफी टाइम बंद है, काफी टाइम से बंद है, डिस्कनेक्शन है, लाइट भी नहीं है यहाँ पे। मगर माल इन लोगों का सब ऐसे जो नहीं, जो सिलावा माल, कुछ रेडी माल, सारी चीजें बहुत, अभी देख, मगर अभी ऐसा कुछ नजर आया, अभी अभी तक तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे मैं वो नहीं हो रहा देख रहे हैं यहाँ पे, तो कोई ऐसा मतलब आवाज आई है यार, कांच की तो कोई चीज नहीं है यार, इधर पीछे
दरवाजा पीटा किसी ने, देख। आवाज तो दरवाजे की है, मगर की है, मगर दरवाजा तो। अबे वो यहाँ तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मगर ऐसा लग रहा है कोई चीज फेंकी है किसी ने ना। इधर अंदर की तरफ देख, उस तरफ, इसको खोल, इधर आ देख। यार कांच की चीज कौन बजा सकता है यार, कोई तो भी नहीं है, कोई ऐसा नजर नहीं आया ना, ऐसी कोई कुछ ऐसी आवाजें यार, आवाजें किसी ने कोई चीज मारी, ये डाउटफुल था। और वो जब मैं पहली बार कमरे में घुसा, वो ब्लैक कलर का, ऐसा लगा सुराग में कोई है, ऐसा हाँ। मुझे डाउट हुआ। बहरहाल यहाँ पे अभी तक कोई वैसे चीजों की आवाजें जरूर आ रही हैं। मैं कहा हमें टेरिस चेक कर लेना चाहिए आखिरी बार, वो इस दफा हम गए नहीं है। हाँ। छत हमने पहले एक दफा मतलब विजिट करी थी, कोई अभी छत भी एक नजर करते हैं। एक दफा छत की तरफ चलो, जरा छत की तरफ चलना। पिंजरों में यार कुछ भी नहीं है यार। नहीं, पिंजरे खाली है पाशा, बिल्कुल ही वो है ना, पिंजरों को तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये कुंडलियां पड़ी हुई है, ये पिंजरे खाली पड़े हुए हैं, और ये इस तरीके के ये जो किया हुआ है, पता नहीं कितने अरसे दराज से ये मटकियां पड़ी हुई है। चलो इनकी छत को उस तरफ, टेरेस की उस तरफ देखते हैं। ओ अस्तगफिरुल्लाह, उबे भागो, उस तरफ ना जाओ, उबे ना, कवर करो, कवर करो, कुछ चीज नहीं है। अल्लाह हू अकबर, बहुत ही कोई खतरनाक चीज है पाशा। मैं उस टाइम तुझे कह रहा था यहाँ पे देख, कोई काला ना डॉट दिखा था यहाँ से। टाइम मैं कह रहा था ना रजत, देख मुझे काला साया दिखा, कोई मसला है यार। मैं तुझे अस्तगफिरुल्लाह यार, अजीब ही मतलब है, कोने पे चीज बैठी हुई थी। मैं कह रहा था यार कोई चीज इस तरीके से काफी कोई बड़ी, उसमें काली कलर की चीज थी, समझ नहीं आ रही कोई जानवर है, कोई वो है, ये समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ एक बार दोबारा चलते हैं ऊपर, हम नुकसान पहुँचाने नहीं आए आपको, आप जो भी मखलूक हैं, हम नुकसान पहुँचाने नहीं आए। हिम्मत करते हैं उबैद, थोड़ा हिम्मत कर, आप इधर आप पर हिम्मत कर। उबैद दोबारा एक दफा आप कैमरे से कवर करना। उबैद भाई इधर आ, जो भी चीजें हम लोग आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए। कहां थी उबैद, जरा कवर करना उबैद वहां पे, देखो यार बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ यहीं पे ना पाशा, कहाँ देखी थी ये, कोने ये, में ना, इस कोने में, इस कोने में कोई अजीब सी परछाई थी रजब, कोने तो में काफी कोई बड़ी, उस बड़ा था वो, काले कलर का था कोई। किसी चीज को टच नहीं करो, किसी चीज को टच नहीं करो, कुछ नहीं पता, ताबीज वगैरह पता नहीं किस चीज की क्या पड़ी हुई है यार पाशा। वो तो कोई खौफनाक चीज, और यार ये तो बड़ी अजीब सी चीज हो गई, मतलब एक पल में आया और हम लोग गए और वो फिर गायब हो गया। कह रहा हूँ कि वो साया नुमा चीज थी, कुछ अजीब से मामला बाकी में है। अगर ये कोई अपना इतना महंगा घर बना के कोई छोड़ा हुआ है कि जिन्नातों की वजह से, तो ये वाकई में कोई ऐसी चीज है। ये जो एकदम परछाई वाला हुआ है ना, ये परछाई भी हमें वहीं से दिखी जहाँ वो सुराग है जिसमें तुमने बोला। मैं यही कह रहा हूँ कि कोई चीज ऐसी थी। अब यार पहली बात तो दीवार के उस तरफ आने का रास्ता ही नहीं है, हम तो फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और ये सेकंड फ्लोर पे, बल्कि सेकंड खाली टेरिस से, क्योंकि इंसान नुमा अगर यहाँ पे कोई इस तरीके का नशे भी कोई इंसान नुमा चीज कूदेगी तो उसका फ्रैक्चर हो जाएगा यार, इतना 30 फीट क्या है, कूद ही नहीं सकता। बड़ा कारखाना कोई छोड़ के अपना जा सकता है तो लाजमी सी बात है, सामान पड़ा हुआ है यार, अभी हम भी उठा के ले जा सकते हैं, लेकिन उस ओनर ने दफा ही कर दिया इस घर को, मतलब छोड़ दिया कि यहाँ पे हमें कुछ करना ही नहीं है। और बड़ी तो ये चीज मुश्किलों से हम लोग यहाँ इजाजत लेके, हालांकि लोग हमें यहाँ का मना ही करते हैं, लोग कहते हैं यार मत जाओ, अपनी जान को खतरे में डालोगे, ये करोगे, लेकिन हम अपनी पढ़ाई वगैरह करके अपने मामला पूरा करके आते हैं। लेकिन बस वो एक चीज देखनी कि वो क्या हो सकता है, अभी ये समझ में नहीं आया कि वो क्या हो सकता है, जिन्नात है, जुड़े क्या हो सकते हैं, आपको कैमरे की रिकॉर्डिंग में सही पता लगेगा। वैसे ये होता है कि जो
जिन्नात होते हैं ना, ये सबसे पहले सांप का, काले सांप का रूप लेते हैं, उसके बाद ये या किसी समझ लें सांप, सबसे ज़्यादा सांपों का रूप लेते हैं, उसके बाद इनका दूसरे नंबर पर ये होता है ये किसी काली कलर के कुत्ते या काले कलर के जानवर के शक्लों में आते हैं सबसे ज़्यादा, और उसके बाद तीसरे नुमा में ये अपनी इस तरीके की झलके दिखा के या इस तरीके से वहमों में हमारे को मतलब खौफ दिलाने की कोशिश करते हैं, अपनी जाहिरी होने का सबूत देते हैं। अभी तो फिलहाल बिल्कुल पिक्चर यास बिल्कुल एक चीज़ वहाँ पर बैठी हुई थी और वो बिल्कुल गायब हुई है, अल्लाह अपना रहम करे। बड़ा बाकी में ये यार कोई इतना बड़ा लॉस करके अपना यहाँ गया रजब, कोई आसान बात कोई नहीं है। तो हाँ, इतने रिहायशी इलाके के बीच में ये घर और इस तरीके से खाली पड़ा हुआ, कोई आ नहीं रहा और इतना ज़बरदस्त बना के, नहीं तो बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है यार। ये यहाँ पे उबेद जो पेड़ों के साथ है ना, यहाँ पे जो ये परछाई दिखी थी यार इधर, और ये पेड़ इधर ही है, मुझे तो बस यार लग रहा है कि वो चीज़ ना अभी नीचे ना हो यार, उसी कोने पे ये क्या आ रहा है देख। इसको नीचे करें, नीचे 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 कोई है यार, ये तो बहुत ही यहाँ पे मतलब जितना जाहिर नहीं हो सका शुरू में, एंड में तो उतना ही खतरनाक यहाँ पे सबूत दिया उन्होंने अपने होने का। तंग कर रहा है हमें वो चीज, कह रही है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी ने बर्तन पटका, ये हमें तंग कर रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, ये एक नहीं दो हो सकते हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये तो जरूर एक से ज्यादा है। टोटली यहाँ पे जो है ना ऊपर अभी भी वो नुमा चीज दिखी है, ये चेक करो, आवाज चेक करो, मतलब ये स्टील की तो कोई चीज ही नहीं है ना, लोहे की सब गेट जो है, मैं कह रहा हूँ घबरानी रजब, कौन सी आवाज आ रही है, बस अपनी अपना उबेद, मैं कह रहा हूँ नीचे चल, नीचे आ जाओ उबेद, अच्छा तो लाइट वाइट का भी कुछ सीन नहीं है पाशा, मतलब लाइट बिल्कुल कटी हुई है यार, अल्लाह वो काफी स्मेल है यहाँ पे, बहुत ज्यादा बदबू है यहाँ, हम ऊपर इसका तो लिंक भी कहीं से नहीं है, वो तो अपने पीछे देख, अस्तगफिरुल्लाह यार, अल्लाह अकबर, वो तो लैंड मार उबे यार, कुछ बहुत बजी भी नुमा यार चीज सामने आ गई थी यार, कोई